Currency and time, it's a strange relationship. In the 1980s, the dollar was trading in the 10 to 20 range. Some of you may remember this. In the 1990s, it reached 30. $1 was equal to 30 Indian rupees. At the turn of the century, it was 44, and today, 80.14. The Indian rupee has breached 80 against the US dollar. It's a record low. पिछले कुछ दिनों से ये खबर बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे हो गई है, यानी कि अगर आपको एक डॉलर खरीदना होगा तो उसके लिए आपको 80 रुपए पे करने होंगे। इसलिए आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा नीचे क्यों गिर रही है और रुपए को मजबूत बनाने के लिए RBI कौन कौन से कदम उठा रहा है और रुपए की वैल्यू नीचे गिरने से हम आम जनता को इससे क्या नुकसान है। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि सिर्फ हमारे ही देश की करेंसी वैल्यू गिर रही है और भी देशों की करेंसी वैल्यू मिल रही है। इन सब के बाद अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए। द मेजर मूव, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड अ सर्कुलर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी। द इंडियन रूपी ट्रेड कुड बी एन ऑल्टरनेटिव। इंडिया एंड रशिया कैन ट्रेड विदाउट द US डॉलर। द सिस्टम कुड हेल्प इंडियन प्रमोट इट्स एक्सपोर्ट एंड फैसिलिटेट ट्रेड विद कंट्रीज अंडर सैंक्शन। So the RBI is deploying Economics 101, increasing the demand for rupee. Under this new system, foreign traders will require more rupees. And more demand equals more value. मंगलवार को भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले 80 रुपए तक पहुंच गया था। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स के मुताबिक एक डॉलर की वैल्यू भारतीय रुपए के अनुसार 80.06 तक पहुंच गया था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर आपको अब एक डॉलर खरीदना होगा तो उसके लिए आपको 80.06 रुपए पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत ये जानकर करते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा नीचे क्यों गिर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू इतनी ज्यादा नीचे इसलिए गिर रही है क्योंकि मार्केट में रुपए से ज्यादा डॉलर की डिमांड है। रुपए की कंपैरिजन में डॉलर की बढ़ती हुई मांग के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला ये कि भारत जितना एक्सपोर्ट करता है उससे कई गुना ज्यादा गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट करता है। इसे करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, यानी कि भारत में कई ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट होने से भारत से कई ज्यादा मात्रा में डॉलर बाहर जा रहे हैं। 2022 की शुरुआत के बाद से जैसा कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण क्रूड ऑयल और कई सारे कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने लगे, जिसके कारण भारत में रिजर्व डॉलर में कमी आने लग गई। दूसरा ये कि भारत की इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के मुकाबले अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से अपना पैसा निकालकर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि RBI ने इसे रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप